दिल्ली एनसीआर समेत देश के कई राज्यों में एक नए वायरस ने हमला बोल दिया है। दिल्ली एनसीआर में सिम्टम्स के बाद लोग डरे हैं, ऐसे में इसके लक्षण समझिए। डॉक्टर समेत देश की सरकार को डराने वाले इस वायरस का नाम है H3N2। मौसम में नमी की कमी के होने के चलते ये वायरस तेजी से लोगों पर हमला कर रहा है। तेजी से फैल रहा ये वायरस एक संक्रमित से चार लोगों को शिकार बना सकता है। वायरस इतना खतरनाक है कि मरीजों को ICU में भर्ती करने तक की जरूरत पड़ सकती है। हमने देखा है कि इसके जो इन्फेक्टेड जो व्यक्ति हैं वो ज़्यादातर वो लोग हैं या तो जिनका इम्यूनिटी कमज़ोर है, इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड हैं, या बुजुर्ग व्यक्ति हैं, या जो लंबी बीमारी से पीड़ित हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक वायरस कोई नया नहीं है। ये खतरनाक वायरस 1968 में हांगकांग में कहर बरपा चुका है। अब भारत में भी लोगों को अस्पताल पहुंचा रहा है। काफ़ी सारे जो केसेस हैं जिनका एक हफ्ता या दो हफ्ता सिम्टम्स रहते हैं, जैसे ब्रेथलेसनेस है, कॉफ है और फीवर है, तो उसको ये जरूर टेस्ट कराना चाहिए। H3N2 वायरस की शुरुआत बीते साल 15 दिसंबर से हो गई थी। कम तापमान होना वायरस के लिए संजीवनी की तरह है। डॉक्टर्स की माने तो अप्रैल तक तापमान बढ़ने से वायरस का असर खुद ब खुद कम हो जाएगा।